आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, जो अमेरिका में एक के बाद एक कई बड़े धमाकेदार बयान दे रहे हैं। तीन दिनों में राहुल गांधी के तीन बड़े बयानों पर घमासान हुआ। दरअसल पहले दिन राहुल गांधी ने मुस्लिमों को लेकर बयान देते हुए कहा कि देश में मुस्लिमों की हालत बेहद खराब है। फिर दूसरे दिन राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने LAC पर भारत के कई हिस्सों पर कब्जा जमा रखा है। और अब तीसरे दिन राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग धर्म निरपेक्ष है, कुछ भी नॉन सेक्युलर नहीं है। अब राहुल के इस बयान पर BJP ने जमकर निशाना साधा है। BJP ने यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी ऐसे बयान सियासी मजबूरी में देते हैं। आपको बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस के साथ है और हर मुद्दे पर कांग्रेस के समर्थन में रहती है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल सेक्युलर पर क्लियर नहीं है, उनकी स्पष्ट राय नहीं है, या वाकई में मजबूरी के चलते इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? There's nothing non-secular about the Muslim League. Question's a little disjointed, sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Question's a little disjointed, sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions a little disjointed, sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग वाले बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ताओं ने क्या कहा, किस तरह से बीजेपी ने अब राहुल गांधी के इस बयान पर सवाल उठाए हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी इसका जवाब आया है। गौर से सुनिए। भी आप राहुल गांधी जी की किसी स्पीच में देखिए जो उन्होंने कहा हो कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ राहुल गांधी जी ने किया है वो ना अनजाने में किया है, बहुत सोच समझ के किया है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं, और अगर कहा जाए, इसको अन्यथा न लिया जाए, तो कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी ये सब शरारतन करती है। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है। वो मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म, इत्तिहादे मुसलमीन के सेकुलरिज्म, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सेकुलरिज्म, सिमी के सांस्कृतिक संगठन होने का सारा अर्थ समझती है, और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी। मैं या कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जितने देशों का दौरा पिछले कुछ समय में राहुल गांधी जी ने आदतन किया है, फितरतन किया है, उनमें से एक देश बता दें जहां आज की डेट में रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से कम हो और रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से ज्यादा हो, रेट ऑफ ग्रोथ भारत से कम। ये इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के फाउंडर इस्माइल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के फाउंडर इस्माइल ने 62 के जंग में अपने बेटे मियां खान को चीन से लड़ने के लिए हिंदुस्तान की आर्मी को सुपुर्द करने की पेशकश की थी। ये वो मुस्लिम लीग है जिसके ई अहमद को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था 1993। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं नागपुर म्युनिसिपैलिटी में अलायंस किया, गठबंधन किया म्युनिसिपैलिटी पे कब्जा करने के लिए। आज क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया, या फिर क्योंकि कोई वो मालवीय नाम का एक प्राणी है, क्योंकि शायद उसको ज्ञान नहीं है, तो वो तय करेगा कि सब मुस्लिम लीग कौन सी मुस्लिम लीग है। ये जिन्ना की मुस्लिम लीग वो थी जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग है जिसको अटल जी पसंद करते थे, जिसके मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया, जो 1993 में संस्कृत की यूनिवर्सिटी केरला में बनी वो इसी मुस्लिम लीग ने स्थापित की थी, एजुकेशन मिनिस्टर इसी मुस्लिम लीग का था। इनको ज्ञान नहीं है, ये व्हाट्सएपिया लोग हैं, ये व्हाट्सएप का ज्ञान सरकारों में लगाने लग गए। आप मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि एक नए इतिहासकार का जन्म अमेरिका में हुआ है जो पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने का काम कर रहा है। जिन्ना की मुस्लिम लीग जिसने देश के बंटवारे किए हों, वो मुस्लिम लीग जिसके तमाम लोग विभिन्न आरोपों में पकड़े गए हों, जो केवल एक जाति और धर्म के लिए काम करती हो, वो धर्मनिरपेक्ष हो गया, बजरंग दल सांप्रदायिक हो गया,
आरएसएस सांप्रदायिक हो गया। क्यों? वो भारत माता की जय बोलता है। जो भारत माता के बारे में अनर्गल प्रलाप करे, जो जम्मू कश्मीर के बारे में ये बोले कि 370 हटी तो अलग वो पाकिस्तान में चला जाएगा, वो सब धर्मनिरपेक्ष हैं। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए। मैं समझता हूं कि अब भारतवर्ष में कोई इनकी बात सुनता नहीं तो विदेश में जाकर वो जिस प्रकार का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी भारतीय जो राष्ट्रभक्त है वो अपने देश की जो बुराई है वो विदेश में जाकर करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं हो सकता। जब बंटवारा हो रहा था तो पाकिस्तान जाने का उसने विरोध किया था और यही हिंदू रहे थे। और उनकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, कर्नाटक के हार के बाद जो पलाये हुए और बौखलाए हुए हैं कि इस इंडियन मुस्लिम लीग ने, जिसका राहुल जी ने जिक्र किया है, ढेर सारे हिंदू इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले इतिहास पढ़ो, समझो, अब तुम जहां गलत बोलोगे सही करेंगे तुमको। यह लोकतंत्र है या परिवारतंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गांधी खानदान का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। वह जनता के आशीर्वाद से फैसला होता है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आज का जो उनका बयान है, उन्होंने न्यायपालिका पर भी सवाल उठा दिया है, उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठा दिया है, संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठा दिया है। कोई भारत माँ का सपूत भारत के बाहर जाकर के भारत के विरोध में एक शब्द नहीं बोल सकता है। और इनकी भाषा निश्चित तौर से देश विरोधी भाषा है। और कांग्रेस के जो बड़े बूढ़े हैं, अगर उनको लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दुनिया के किसी मंच पर खड़े होकर के इस प्रकार के भाषण देने, इस प्रकार की बयानबाजी करने से रोके, जिससे देश की बदनामी होती है। और जिस प्रकार से उनके बयान देख रहा हूं, मुझे तो एकदम आश्चर्य लगता है कि कैसे भारत के विरोध में जाकर के, भाजपा के विरोध में, भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में वो विदेश में बोलते। उनको जो कुछ बोलना है, 2024 का चुनाव है सामने, आकर के भारत की जनता के बीच में बोले, भारत की धरती पर बोले, लोकतंत्र की ताकत यहां दिखावें, जाकर के दुनिया में देश को बदनाम करने का पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उसकी उन्हें माफी मांगनी चाहिए। असल में जिस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया वो है क्या? क्यों राहुल गांधी ने इसे सेक्युलर कहा, इसे समझने की जरूरत है। मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। केरल में कांग्रेस के साथ इसका गठबंधन है, लोकसभा में इसकी 3 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। केरल में, यानी केरल प्रदेश में 15 विधायक हैं इस पार्टी के। केरल राज्य में एक दल के रूप में बाकायदा इसकी मान्यता भी है। 10 मार्च 1948 को मद्रास यानी कि चेन्नई में इसकी स्थापना की गई थी। और चूंकि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है इसलिए राहुल गांधी ने इस तरह का जिक्र किया। वहीं विदेश में राहुल गांधी के विवादित बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी जोरदार हमला किया है। वो क्या कुछ कहा, सुनिए। एक कोर तो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार जो दल है, जो सोच है, वो तो सेकुलर कहलाती है, पर हिंदू टेरर हो जाता है, सैफरन टेरर हो जाता है। किस प्रकार से कृष्ण जी जिहाद का पाठ सिखा रहे थे अर्जुन जी को, ये भी कह लेते हैं। तो ये उनकी विकृत वोट बैंक की राजनीति के चलते इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसको करोड़ों लोगों ने देश में एक नहीं दो बार चुनकर लाने का काम किया है, उसको वो नफरती बुलाते हैं और मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी तो खुद नफरत की जननी है। जो बड़े दंगे और नरसंहार हुए, चाहे 1984 का नरसंहार हो जिसको कांग्रेस ने जायज ठहराया, आज भी जगदीश टाइटलर उनके दल में हैं, सज्जन कुमार को बचाया, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, मुंबई, नैली, ये सारे तमाम नरसंहार और दंगे कांग्रेस के राज में हुए। तो कांग्रेस मतलब नफरत की जननी। वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिन्ना की मुस्लिम लीग जो पार्टी धार्मिक आधार पर भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थी, वो राहुल गांधी के मुताबिक सेक्युलर पार्टी है। वायनाड में स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए ये उनकी मजबूरी है। और इस तरह का कटाक्ष किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवी ने कहा है। अब यहां ये भी समझिए कि जबकि जिन्ना वाली मुस्लिम लीग
और अब की मुस्लिम लीग में अंतर क्या है, जिसका जिक्र आपने सुना कि अभी खुद पवन कर रहे थे। तब की मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, बंटवारे के बाद वो भंग कर दी गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिन्ना ने बनाई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान में है और मुस्लिम लीग और बांग्लादेश में ये बनी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और अब की मुस्लिम लीग का क्या है, अब की मुस्लिम लीग जो है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1948 में हुई है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जगह वो IUML ने ले ली है, यानी कि अब उसका नाम भी उस तरीके से बदल दिया गया है। और दोनों के नाम में अंतर है, जिसका जिक्र भी प्रवक्ता कर रहे थे कांग्रेस के। वहीं जिन्ना ने यह पार्टी बनाई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और IUML की जड़ें जिन्ना की मुस्लिम लीग में ही हैं। कुछ हैं जो यहां पर उल्लेख, जिसका बीजेपी यानी कि अमित मालवीय जिक्र कर रहे थे। वहीं तब की मुस्लिम लीग पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और बांग्लादेश में बनी आवामी लीग, यानी कि इनका नाम बदल दिया गया। और अब की IUML चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त पार्टी है, ये चुनाव लड़ती है। और मैंने जिसका जिक्र किया कि केरल में बाकायदा 15 विधायक इस पार्टी के मौजूद हैं। 3 सांसद भी हैं लोकसभा के, 1 सांसद राज्यसभा का है। तो ये पार्टी है। और इस पार्टी को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया, राहुल गांधी ने यह बताने की कोशिश की कि मुस्लिम लीग सेक्युलर है, उसके बाद बीजेपी अब एक के बाद एक आरोपों की बौछार किसी और पर नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी पर कर रही है और कर रही है राहुल गांधी पर। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान का समर्थन किया है। कैसे किया है ये आप सुनिए। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उसे समर्थन, राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ये बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है वज्रमुट, और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे, ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। विपक्ष को बांधे रखने के लिए गिव एंड टेक करना होगा, इसके लिए हम तैयार है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी की ये बात बहुत समझदारी की बात है और बड़े नेता इस प्रकार से ही बात करते हैं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाएंगे।